मैं आपको हमेशा कहता हूं डट के, जितने ज्यादा एमसीक्यू आप लगाएंगे उतना आप एग्जाम के नजदीक जाएंगे आप। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे पढ़ लिया हमने एनसीईआरटी को, पढ़ लिया हमने, लेक्चर सुन लिया हमने, नोट्स बना लिया हमने, काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं, काम तो बहुत सारा बचा है, आपको खूब सारे एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। कई बच्चे मार्केट में जाते हैं, बुक ढूंढते हैं ऐसी कि जिसमें सबसे कम एमसीक्यू रखे हो, हेयर टिप, ईयर टिप, नोज टिप, है ना, ऐसी किताबें ढूंढते हैं कम से कम क्वेश्चन दे रखे हो। ऐसी किताबें भी काम की नहीं है। ऐसी किताबें ढूंढते हैं अद्भुत टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो, जो उनको खुद ही ऑथर ने लिखे क्वेश्चन है उसी को मालूम है वो प्रश्न, किसी को नहीं मालूम वो प्रश्न, वो भी नहीं आते एग्जाम में। एग्जाम में एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज खूब सारे एमसीक्यू लगाइए। अब कई बच्चों ने एक कॉमन सा क्वेश्चन किया है, वो किया है कि सर हमारे पास कोई अच्छी एमसीक्यू बुक नहीं है, हम केवल डीपीपी लगाते हैं, बूस्टर सीट्स लगाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ बेटा, चार पांच बुक्स जो होती है उनका सबका अच्छा अच्छा एक्स्ट्रा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे ना तो आपको फायदा होगा बेटा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे के, तो आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे एक लगातार एक चीज बोल रहे हैं, बैकलॉग हो गया सर, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। देखो मैं पहली बात तो आप मुझसे बोलते हैं फोन लगा के, मुझको कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, उसके पहले क्या कर रहे थे भाई साहब? उसके पहले सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? बस सोच रहे थे कि करें कि नहीं करें, कि इसको क्या करें नीट के बारे में। देखो भैया, मैं थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, मैं एज ए टीचर मेरी बात को जो है, पेरेंट्स और टीचर कुछ कहते हैं बुरा भी कहते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं। आप जो बच्चा 1 जून से पढ़ रहा है लगातार, वो लगातार मेहनत कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा हो जाए बैकलॉग, कैसे बैकलॉग पूरा, तो आपको अब बेटा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि अब आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो दूसरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास अभी ये चिंता करने का वक्त ही नहीं बचा आपके पास बैठ के। आप बोलोगे सर बहुत सारे लेक्चर हो गए बायोलॉजी में, तो अब देखो बेटा मैं सिंपल सा बात ये बोलूंगा कि हर चैप्टर जो मैंने कराया वो लेंदी है, मैंने जो कराया वो लेंदी है, बहुत सारे लेक्चर मैंने लिए उसमें, बहुत डिटेल पढ़ाया मैंने उसको, समझो कि मैं इसको ऑनलाइन कोचिंग नहीं मानता हूं, इसको यूट्यूब चैनल नहीं मानता हूं, ये आपका ऑफलाइन क्लासेस है, आप बस अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने स्टूडियो में हूं, बाकी हम सब नॉर्मल ही है वो कोचिंग के साथ। ठीक है, 1-to-1 सामने आएंगे तो 1.5 लाख फीस मैं लूंगा, तो आपको समझ बताइए हाँ अब कोचिंग का मजा आ रहा है, क्योंकि हमने पिताजी के जैसे जो है वो उनका प्रोविडेंट फंड से पैसा निकलवा लिया है, हमने जमीन को गिरवी रखवा दिया है, हमने जो है पिताजी के बुढ़ापे की सेविंग जो कर रखी थी उन्होंने कि ओल्ड एज में काम आएगा, या बहन की शादी के लिए सेविंग करें, वो हमने निकलवा के खर्च कर दिए, तो बहुत मजा आ रहा है। अब लग रहा है कि कोचिंग मिल रही है हमको, ठीक है, अब कोचिंग का फील आ रहा है, क्योंकि पैसा लग गया बहुत सारा, तो कोचिंग का फील आएगा अलग तरीके से। ठीक है, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। ठीक है, कोचिंग का फिर कुछ क्लासेस, कोचिंग मार्गदर्शन जो है बेटा वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते तो भी अच्छा कर जाते हैं, तो हम सब लोग लॉन्चपैड नहीं है कि यहां से उचका के ऊपर डाल दिया किसी बच्चे को पढ़ के, वी आर जस्ट एक मीटर के, हम केवल गाइड कर रहे हैं आपको, ये सही कंटेंट है इसको पढ़ लो बेटा, ठीक है, इसको पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे आता है, लेकिन पढ़ना आपको, मेहनत आपको करना है। तो जिनका बैकलॉग है वो एक काम करें, वो एनसीईआरटी के जिन जो चैप्टर कवर कर चुका है उसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ें, डीपीपी जितने हो चुके हैं उन डीपीपी का प्रिंट आउट निकालें, टेस्ट का प्रिंट आउट निकालें, परफॉर्मेंस शीट का प्रिंट आउट निकालें, उनको पढ़ना शुरू करें, एनसीईआरटी पढ़ें, परफॉर्मेंस शीट पढ़ें, डीपीपी लगाएं, टेस्ट लगाएं, क्योंकि अब आपके पास लेक्चर पूरे देखने का वक्त नहीं है इतना कि आप पूरे लेक्चर दें, फिर आपको लगता है सेल डिवीजन वाला हिस्सा, वहां लेक्चर देखना जरूरी है अब, लेकिन जो नए लेक्चर आ रहे हैं उनको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि वो हमेशा पीछे रहेंगे आप, और एग्जाम सेम डेट पर सबका होगा, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा एनटीए वाला दिन, एनटीए का एग्जाम होगा या एम्स का एग्जाम होगा, है ना, हम तो विश्राम कर रहे थे आप, तो हम तो कह रहे हैं कि आप एनटीए एग्जाम 3 महीने, हम बैकलॉग वाले बच्चों को बोले तो बेटा आराम से तुम्हारी मर्जी है पढ़ने की, उसके बाद एग्जाम देना, है ना, ऐसा होगा क्या? ठीक है, मतलब मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं आप पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं बेटा कि आप जो है ये जो बार 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 चीज एक ही चीज बोल गाना गाते हैं ना, इसको बंद कर दो, कमर कस लो कि अब हम आ गए रेस में, हम रेस में आ गए, हम भी रेस में, और हम भी रेस में क्योंकि हम पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए रेस में, अंत में दिन वही एक ही दिन पर सबका एग्जाम होना है, तो आप चाहे वो एम्स दे रहे हो चाहे नीट दे रहे हो, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जाम होगा वो। इसका मतलब ये है कि अब बैकलॉग कवर करने के लिए आपको नंबर एक पहली कंडीशन ये है कि जो नए लेक्चर रिलीज हो रहे हैं उनको मिस ना करें आप। दूसरी कंडीशन ये है कि एनसीईआरटी पढ़ें, डीपीपी लें, पुराने टेस्ट पेपर को देखें, उनको एक बार लगा लें, और जिन हिस्सों में लगता है लेक्चर बहुत जरूरी है आपको वो आप जरूर देखें। फिजिक्स में फ्रॉम द बिगनिंग से लेक्चर देखेंगे तो फायदा होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स बनता नहीं कई बच्चों को, ठीक है, तो ऐसे। और फिर दूसरा विकल्प लोग क्या ढूंढते हैं, ऐसा चैनल ढूंढो जो 3 लेक्चर ले चैप्टर पूरा करा दे, ऐसा कोई चैनल ढूंढो जो बढ़िया बोले कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये वाला बटन दबा दो, वो बटन दबा दो, सर के बाल खींच लो, कान ऐसे कर लो, ऐसे चैनल को पसंद करके। तो भैया वो जिनको करना है वो करे, है ना, यहां तो क्लास चल रही है, और क्लास में बेटा जो होता है एक डेकोरम होता है, क्लास में जो है वक्त लगता है, चीजें रातों रात नहीं होती है, कोई भी अच्छी चीज को बनने में वक्त लगता है, समय लगता है, और उसीलिए चीज जो है फिर वो शाइन करती है। याद रखिए, घास एक दिन में उग जाती है, बरगद का पेड़ बनने के लिए आपको जो है सालों लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए प्लीज मेहनत से ना घबराएं, जमकर मेहनत करें, जमकर एफर्ट करें, और अब ये जो बैकलॉग वाली कहानी है ना, इसको बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं इसको हम, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यदि कॉम्पिटिशन में है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा,
आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरी बात बहुत बुरी लग सकती है, कई लोगों जो है वो झट से वो नेगेटिव 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 कमेंट कर सकते हैं कि यार सर क्या बोल रहे हो। नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको रियलाइज करो, अभी भी वक्त नहीं निकला, मई में एग्जाम है आपके, फोड़ सकते हैं इसमें भी हम अब, लेकिन गाना गाएंगे बैठ के हम, बैकलॉग 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 तो कुछ नहीं होगा भैया, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना बेटा। आज मेरा मूड बड़ा खराब है क्योंकि मैं जो है वो मतलब मुझे लगता है कि यार जब हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, हम नहीं इंतजार करते किसी चीज़ का, तो आप जिसका करियर बनना है, जिसका भविष्य को बनाना है, जिसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आगे कुछ करना है, वो कैसे गाना गा सकते हैं वाला। आप मुझसे पूछेंगे ना कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे सिंसियर बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, मुझे उनसे बहुत प्रेम है, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसे इनसिंसियर लोग जिनका जिनको कमेंट में समझ आता है कि वो इनसिंसियर है, आई सिंपली डोंट लाइक देम। उसके पीछे कारण है, मतलब मेरे पसंद ना पसंद से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कारण यह है कि मतलब मेडिकल नीड से सिंसियर, वो एक लेवल का सिंसियरिटी, एक लेवल का ऑफर्ड मांगता है, एफर्ट मांगता है मेडिकल के, मजाक थोड़ी ना मेडिकल, इसलिए बेटा एफर्ट करनी पड़ेगी। आपके सपने हैं, आपके सपने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपके सपने के लिए आपको वक्त पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। दुनिया वक्त पर काम करे, आप सुस्ता रहे तो काम नहीं हो सकता है, आपको जगना पड़ेगा, आपको मोटिवेट स्वयं रहना पड़ेगा, तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट।